नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जो भी मेरे भाई अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहली बात है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस, चाहे आप DLED से जुड़ी हुई हर एक क्लासेस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में अगर आप आकर देखते हैं तो। और प्लस UPTET CTET के भी सारे क्लासेस UPTET के हमने कंप्लीट करा दिए हैं और CTET के भी चल रहे हैं, चलेंगे भी। अभी नोटिफिकेशन भी, जब तक सारी चीज़ें चल रही हैं आप देखते रहिए। अब इस वीडियो का मकसद यह है हमारा कि बहुत सारे हमारे मित्र भाई बहन जो हैं उनको एक तरह से स्कूटनी के फॉर्म को लेकर बहलाया फुसलाया जाता है। और प्लस दूसरी तरफ अगर देखा जाए उन्हें तो एक तरह से कह लीजिए कि उनको प्रत्यावेदन फॉर्म को लेकर कि भाई प्रत्यावेदन फॉर्म जमा करिए, उसके लिए कोई फीस दीजिए हमें। या फिर मेरे बहुत भाई बहन ये भी कह रहे हैं कि सर मैंने एक यूट्यूबर को, किसी कोई यूट्यूबर है जो उनको, उनसे पैसा वगैरह लेकर, और बहुत सारे मेरे मित्र को एक तरह से पैसे वगैरह लेकर उनसे रखवा लिए हैं जो भी उन्होंने पहले बोला था उनसे। अब वह उनके द्वारा, मतलब बच्चों के द्वारा जब कॉल किया जा रहा है उस व्यक्ति को, तो वह व्यक्ति फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा है। भाई यही होता है, हमने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, देखिए ना किसी पैसे में दम है, अगर दम है तो सिर्फ आपकी मेहनत में। मेरे मित्र, पैसे में दम आज होगा, पैसे में दम कल होगा, लेकिन पैसे में दम हमेशा नहीं होता है। मेरे मित्र याद रखना, स्थितियां और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है मेरे भाई। बस एक चीज़ याद रखना, अगर मेहनत है ना और जी जहान है ना तो सब कुछ आपके पास है। मेहनत करते रहना, अगर बैक लगा है तो बैक हम क्लियर करेंगे, उसे अपने दम पर क्लियर करेंगे मेरे भाई। आपको बता देते हैं, जितने भी मेरे भाई प्रत्यावेदन देने वाले हैं एक रुपये फीस नहीं लगेगा आपका SCRT पर। बहुत ज़्यादा सहयोगी मिल जाएंगे अगर कोई फीस लेता है मेरे भाई, तो एक बार इस वीडियो के नीचे उसका नाम अगर वह पता हो उसका रिकॉर्ड कर लेना, बस उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेना। अगर ना हो सके तो उसका नंबर ले लेना मेरे भाई, और उसका वैसा नंबर लेना जो कि डायरेक्टली उसके पास लग जाए, फिर उसके बाद मुझे बताना और मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा, कहानी उसकी ख़त्म मेरे मित्र। बस इतना याद रखना। और जो भी एक अगर और कोई बंदा हो, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं मेरे भाई, तो शिक्षक तो ऐसा नहीं करेगा कोई, शिक्षक मतलब कि जैसे हम तो आप ही के हम उम्र हैं और प्लस हम आपके भाई हैं, शिक्षक हैं ही नहीं। पहली बात, हम अपने आप को शिक्षक नहीं मानते हैं, हम सिर्फ आपके भाई हैं और छोटे ही भाई समझिएगा अपना। अब हम आपको जो सलाह देंगे, हम यही सलाह सोच कर देंगे कि हम अपने किसी बड़े भाई को, बड़े भाई से आप बात कर रहे हैं या फिर किसी छोटे भाई को हम बता रहे हैं अपने, बस यह मित्र है मेरा, हमेशा मेरा मानना यही होता है। तो आप लोग जब भी जाएंगे प्रत्यावेदन लेकर, वहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा, एक रुपये चार्ज नहीं लगेगा मेरे भाई। वहाँ पर आप जाकर अपना प्रत्यावेदन जमा करेंगे SCRT पर। और दूसरी बात और है, अगर स्कूटनी के लिए आपको कोई बोल रहा है कि 50 मतलब हमको 50,000 दे दीजिए, 10,000 दे दीजिए, 20,000 दे दीजिए मेरे भाई, तो उसके काम भी नहीं आइएगा। वह चाहे आपका कोई खास मित्र ही क्यों ना बोल रहा हो, बाद में वह उस मित्र द्वारा एक तरह से मित्रता आपकी तो ख़राब हो ही जानी है, लेकिन उस मित्र का कोई इसमें गलती नहीं होगा, क्योंकि उस मित्र से हो सकता है किसी ने कहा हो कि लाइए हम आपके मित्र को पास करा देते हैं, कितने पैसे लेंगे। तो आप इतना समझ लीजिए, अगर आप किसी दूसरे को पैसे देते हैं तो किसी तीसरे से संपर्क किया हुआ होता है, फिर वह किसी तीसरे चौथे से संपर्क किया हुआ होता है मेरे भाई, इसमें किसी एक का हाथ नहीं होता है। हम आपको बता देते हैं, इसमें बहुत सारे संलिप्त होते हैं और इसमें एक कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अगर हम चाहें, मतलब कि अगर कोई अकेला चाहे कि हम यह काम करवा लें, तो भाई इतना जान लेना कि उसका कोई बंदा ऐसा होगा जो कि अधिकारीगढ़ होगा, भले कोई चौथा पर्सन होगा अधिकारीगढ़, लेकिन मेरे भाई इतना याद रखना, कोई अकेला बंदा ऐसा कोई कर नहीं सकता, उसके आगे भी कोई होगा, फिर उसके आगे कोई होगा। आज आपसे वह 10,000 ले रहा हो सकता है, उसके उससे जो मांगा हो वह 8,000 मांगा हो सकता है, उससे जो मांगा हो 4,000 मांगा हो। तो मेरे भाई अपने जेब खर्च के लिए आपसे इतनी पैसे रकम जुटाई जाती है, ऐसा करने वाला इंसान आज भले ही बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि हम पैसे लूट ले रहे हैं ना, यह वह नहीं भुगतेगा, उसके आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी मेरे भाई। इतना याद रखना, यह विधि का विधान है। तो बस हमें अपने हिसाब से, अपने मेहनत से बल पे, अपने मेहनत के बल पर जो भी कार्य करने हैं उसे हमें अपने मेहनत के बल पे ही करना है, ना किसी के सहयोग की ज़रूरत है। हाँ, अगर स्वतंत्र रूप से कोई सहयोग करना चाहता है निश्चल भावना से तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे मित्र। बस आप लोग इतना याद रखना, आप लोग बहुत परेशान हो, मुझे भी पता है, जिन बच्चों का बैक लगा है बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो भी मेरे भाई बहन का बैक लगा है वो बहुत परेशान हैं, मैं भी झेला हूँ, ऐसी बात नहीं है, झेलना तो सबको है, और आज नहीं तो कल आपका यह परेशानियाँ दूर हो ही जाएंगी मेरे भाई। और जिनका दो सेमेस्टर में बैक है, किसी एक सेमेस्टर में 3 बार है और किसी अलग में एक सेमेस्टर में उनका 1 बार चांस है मेरे भाई,
तो वह एक काम कर लेंगे, रीट लगा लेंगे। वो भी बहुत सारे अगर उनके मित्र मिल जाते हैं उन्हीं की कैटेगरी के, तो वह उनके साथ जाकर एक तरह से वकील को सेट करेंगे। उस वकील को जो भी उनकी फ़ीस होगी मेरे भाई, उनको फ़ीस दीजिएगा, वो आपके स्वतंत्र रूप से कार्य कराएंगे। ना कुछ ही ना अगर काम नहीं होना होगा तो डायरेक्ट बोलेंगे काम नहीं होगा, अगर काम होना होगा तो जितने पैसे लिए होंगे मेरे भाई, बस फीस के लिए लिए होंगे, वो पैसे आपका डूब जाएगा। लेकिन एक बार आपको करने में क्या जाता है, आपका काम हो सकता है, ये तो नहीं कि नहीं हो सकता है, हम तो ये नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। बस मेरे भाई, बस किसी के एक व्यक्ति के कहने से आप पैसे मत दीजिएगा। बस अगर हमारी बात से सहमत हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई कमेंट कर रहे थे जब हम लाइव थे, तो उनका कमेंट आ रहा था कि सर मैंने यहाँ पे पैसे दे दिए, सर कोई यूट्यूबर है, नाम पता नहीं क्या क्या बच्चे बता रहे थे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक कर दिया सर, है ना, अब मैं कॉल पर कॉल किया जा रहा हूँ, 3-4 मेरे मित्र थे उनके साथ मैं दिया था। तो देखिए भाई, चाहे जो हो, यह इलीगल काम है, और इलीगल काम हमारे IPC की धारा के थ्रू, IPC जो इंटर आपका पिनियल कोड है उसके थ्रू भाई बहुत बड़ी अपराध है, ये देशद्रोह है एक तरह से कह लीजिए। जब आप पैसा दे रहे हैं किसी को, घूस दे रहे हैं, वो भी देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। अगर कोई घूस ले रहा है ना, वो भी देशद्रोह की कैटेगरी में आता है, और इसके लिए अपराध 5 साल की सज़ा होती है और बहुत सारे जुर्माना भरने पड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, वह बहुत सारे IPC की धाराएँ हैं, मित्र देशद्रोह का बहुत सारी घटनाएँ हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा सहम जाइए, आपकी एक गलती से आपका पूरा फैमिली भुगत सकता है, जो ले रहा है और जो दे रहा है, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। बस इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी आपकी कठिनाइयां होगी वो दूर की जाएंगी मेरे मित्र, सही सूचना आप तक पहुंचाया जाएगा, झूठी सूचना नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारा आपसे एक तरह से आपका विश्वास है मेरे ऊपर, बस ये इतना समझ लेना, विश्वास नहीं टूटेगा कभी। मैं अपनी चिंता नहीं करूँगा कि मेरे बारे में कोई तीसरा जो पैसे ले रहा है भाई, वो तो दुश्मन ही बन जाएगा मेरा, अब जहाँ पाएगा मुझे क्या करेगा, आप समझ सकते हो ना। फिर बस यही मेरे मित्र, दुश्मन कोई हो और सबसे निपटने के लिए हम तैयार रहेंगे, कोई बात नहीं, दुश्मन नहीं, वो मेरा भाई होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा कभी, हाँ यह बंदा है जो कि बिल्कुल सही बता रहा है। थोड़ा सा अगर इसके बाद सोचा जाए, कम से कम अपने बारे में ना सही तो अपने फैमिली के बारे में सोचा जाए। आज मैं जब दूसरे के साथ गलत कर रहा हूँ तो वो भी मेरे साथ भी गलत होना है ना। बस यह है मेरे मित्र, यह लेक्चर ना था, आपके भविष्य का थोड़ा सा एक पहलू हमने बताया है। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को हर भाई तक पहुंचाइए, जो भाई इससे ग्रसित है, जो भाई पैसे देकर फंसा हुआ है, जो भाई पैसे देना चाहता है, ठीक है मेरे भाई। परेशानियां हैं, परेशानियां कटेंगी, लेकिन याद रखना कोई परेशानियां पैसे के दम पर नहीं कटती है। हाँ, मान सकते हैं किसी कार्य के लिए पैसे लग सकते हैं, लेकिन परेशानियां और पैसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। परेशानियां मेहनत से भी तो कमाई जा सकती है, मतलब मेहनत से भी तो काटी जा सकती है, मेहनत करो आप उसके। आपको पता है पढ़ना एक तरह से मेहनत का काम भले हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो पढ़ाई को भी पैसे से खरीद ले मेरे भाई ना, तो आप सबसे बड़ा अपराधी हो पढ़ाई के क्षेत्र में और पढ़ाई का शिक्षा जगत का। तो बस पढ़ते रहिए, और जो भी चीज़ें अगर ना DLED करना है तो स्किप करिए। 4 बार बैक लगाया है, 3 बार बैक लगाया है, ना करना है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं अब पैसे के दम पर ही कर सकता हूं, तो भैया स्किप करिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं टीचर बनने के मेरे मित्र। बस आपकी साथ की हमें आवश्यकता होती है, और किसी बात का दुख नहीं होता मुझे, बस अपना साथ बना के रखिएगा, हर जगह हम दोनों सफल होंगे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।